भी तो पहले ही कहा था ना, गहरतना से गुजारा कर लोगी मेरे साथ। हाँ तो सच्ची तो कहती हूँ, कसम ले लो मुझसे, मैं तो झोपड़ी में रह के फाके करके गुजारा कर लूंगी तुम्हारे साथ, लेकिन घर वालों का क्या? वो तुम जैसे निकम्मे निखट्टू बेरोजगार से क्यों शादी करने लगे मेरी? भूखी नहीं मरोगी तुम। जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर में ना सिर्फ तुम्हारी अम्मा काम करती है, वो भी दर्जन है, कोई मुस्तकिल आमदनी का सिलसिला तो है नहीं, हवाई रोजी है। तुमने तो आज से पहले ऐसी कोई बात नहीं की मेरे साथ। हाँ वो शहजाद, तुमने पहली बार तो कहा है कि घर वाले रिश्ता लेकर आ रहे, अब तुम्हारी अम्मा राजी हो जाएंगी तो मैं अपनी अम्मा को कैसे राजी करूंगी? तुम तो जानते हो ना कि हमेशा लड़की के घर वाले चाहते हैं कि लड़का कमाऊ कूद हो, कम अज कम उनकी बेटी का नान नफका तो पूरा कर सके ना। कोशिश कर तो रहा हूँ मैं, अब जॉब नहीं मिल रही तो क्या करूँ मैं? सिर्फ जॉब, कोई भी काम कर लो। क्या मतलब कोई भी काम कर लो? हाँ मजदूरी कर लूँ मैं? बिल्कुल भी नहीं। शहजाद मेरी जान, तुम मेरे खातिर कोई मेहनत मजदूरी कर लो ना। अब मेरी अम्मा की मैं तो इकलौती बेटी हूँ ना, बहुत कुछ सोच के रखा है उन्होंने। हाँ तो उनकी भी इकलौती बेटी को मोहब्बत करने से पहले सोचना चाहिए था ना, कोई काम काज नहीं करता मैं। फिर वही बात। अरे मेरा मसला नहीं है, लेकिन मैं अम्मा को क्या बताऊंगी और वो कैसे एक निकम्मे निखट्टू बेरोजगार के रिश्ते के लिए राजी होंगी भाई? अब वैसे भी घर वालों की नजर में तुम्हारा इमेज। तुम ये अम्मा के बहाने से मुझे क्यों बातें सुना रही हो? ताने क्यों दे रही हो मुझे? याद रखो पहल तुम्हारी तरफ से हुई थी, और अगर मैं तुम्हारी नजर में उतर गया हूं ना तो मुझे भी वक्त नहीं लगेगा तुम्हें बुलाने के लिए। निकम्मा निखट्टू, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का।